हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेफन वर्क एंड टैक्स ऑप्शन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर मेरा कोई भी पार्सल जब आपके यहाँ जाता है तो उसकी पैकिंग कैसी होती है, क्योंकि मैं जो पैकिंग करता हूँ वो मेरा पर्सनल पैकिंग होता है, मैं उसे खुद ही पैक करता हूँ, और वो किस तरह का पैक होता है। क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आजकल कुछ पार्सल में हमारे ये हुआ है कि कुरियर बॉय ने पार्सल डिलीवर किया है और उसकी रसीद निकाली है, और बायर ने बिना सोचे समझे जो भी मतलब आप अगर पार्सल मंगाते हैं बिना सोचे समझे बिना स्टिकर वाला पार्सल रिसीव किया है, उससे क्या हुआ, उससे आप कहेंगे सर उससे क्या होता है, मेरा पार्सल तो मुझे मिल गया। बट मैं आपको बताऊं, आपका पार्सल तो आपको मिल जाता है बट उस पर जो सीओडी अमाउंट का बिल होता है, कुरियर बॉय वो बिल करो निकाल के रिमूव करके किसी भी तरीके से उसको दूसरे पार्सल पे चिपका करके उसको आरटीओ लगाता है। आरटीओ मतलब पार्सल को रिटर्न कर देता है। उस कंडीशन में मेरा जो पार्सल डिलीवर होता है वो आपको जो डिलीवर पार्सल हो गया है वो आपको मिल तो जाता है, पर उसका जो पेमेंट होता है वो मुझे मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है कंपनी के द्वारा। उससे क्या होगा कि अगर बाई चांस आप बैटरी मंगाते हैं या कोई पार्सल मंगाते हैं और उसको आरटीओ लगाना हो, रिटर्न करना हो, तो उस कंडीशन में आपका जो पार्सल है वो रिटर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका पार्सल आपको मिला तो जरूर है बस मेरे सिस्टम में वो डिलीवर नहीं हुआ है, वो आरटीओ आरटीओ मतलब पार्सल रिटर्न हुआ है। डिलीवर हो जाएगा तो आपको ओटीपी के थ्रू या किसी भी तरह मैसेज आएगा, आपके फोन नंबर जो नंबर दिए थे उस पर मैसेज आएगा कि योर पार्सल डिलीवर। बट अगर आरटीओ लिख दिया रिटर्न, आरटीओ मतलब रिटर्न लिख दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो पार्सल है वो रिटर्न नहीं होगा। अगर बाई चांस आप कहते हैं सर मुझे ये बैटरी डैमेज है या बैटरी अच्छी पैकिंग में नहीं है या बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, उस कंडीशन में इसको रिटर्न करिए तो रिटर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्सल आपने जो है गलत रिसीव किया है विदाउट स्टिकर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी पैकिंग कैसी होती है। ये देखिए, आज मेरा टू डे का ऑर्डर है, 8 से 9 ऑर्डर है, 2 जा चुके हैं। तो ये पैकिंग है, ये देखिए किस तरह से पैकिंग होती है। ये पूरा ब्राउन कलर की मेरी पैकिंग होती है, चाहे मेरी छोटी पैकिंग हो, चाहे बड़ी पैकिंग हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी पैकिंग हो। ये देख लीजिए, सारी सारी पैकिंग आप देख रहे होंगे, ये ब्राउन कलर की पैकिंग होती है। उस पर आपको मैं एक चीज बता दूं, ये ब्राउन कलर की पैकिंग, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा फोटो बना होगा स्टीकर के साथ, ये स्टीकर के साथ बना होगा, ये पूरा चिपका हुआ होगा। यही पार्सल, इसी तरह का पार्सल ही रिसीव करिएगा, फ्रेश पैकिंग होगी इस तरह से तो ही पार्सल रिसीव करिएगा। किसी भी तरीके की कट फट हो, कहीं से कोई ओपन किया गया हो, उस पार्सल को रिसीव मत करिए। बिना स्टीकर के पार्सल को भी रिसीव मत करिए, विद स्टीकर पार्सल ही रिसीव करिए। तो ये है, मैंने आपको वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इधर भी 2-3 कुरियर पे मेरे जो कुरियर बॉय द्वारा चीटिंग की गई है उसका पेमेंट मुझे नहीं आया है, बट पार्सल डिलीवर हुआ है और मैंने पर्सनल रेफरेंस पे तो मैंने प्रोडक्ट दे दिया, बट सर मेरा लॉस होता है, और थोड़ा सा अवेयरनेस अगर आपकी तरफ से होगा तो हमारे को जो लॉस हो रहा है वो नहीं होगा और आपको भी सुविधा होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो पार्सल से रिलेटेड, तो मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए मेरे इस वीडियो को देखिए और पार्सल रिसीव करिए, और कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके लिए 50 या 100 रुपीज़ पे करके ऑर्डर बुक करा लीजिए। तो आप मेरे चैनल पे आइए, टैक्स ऑप्शन चैनल पे, और इस तरह के प्रोडक्ट को लेने के लिए इस तरह की पैकिंग होगी और आप उसको ले सकते हैं, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, टैक्स ऑप्शन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।